आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी के शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है तो उसे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि खराब लाइफस्टाइल भी मधुमेह की बीमारी से ग्रसित होने की एक बड़ी वजह है। शुगर पेशेंट को अपनी सेहत के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। थोड़ी सी लापरवाही उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। दवाओं के अलावा अगर आप किसी घरेलू उपचार से शुगर कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अलसी के बीज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कैसे मददगार है, उसके सेवन का तरीका भी आपको बताएंगे, उसका काढ़ा बनाने की विधि भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और नए वीडियो आप हमारे देख सकें। दोस्तों, डायबिटीज पेशेंट को लगातार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो दवाइयों के अलावा अलसी के बीज भी इसे नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा कारगर हैं। अलसी में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो खाने को जल्दी डाइजेस्ट होने से रोकता है। इसके साथ ही शुगर के पेशेंट को होने वाली थकान को भी दूर करता है। अब हम आपको बताते हैं कि काढ़ा कैसे बनाना है। डायबिटीज के पेशेंट ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अलसी के काढ़े का सेवन करें। अलसी का काढ़ा पीने से वजन, बीपी, थायराइड और पेट से संबंधित बीमारियों में भी राहत मिलती है। तो आप देखिए कैसे आपको काढ़ा बनाना है। सबसे पहले 2 कप पानी में 2 चम्मच अलसी के बीज डालने हैं आपको। अब बर्तन को धीमी आंच पर रख देना है। जब तक पानी आधा ना हो जाए तब तक आप इसे उबालते रहिए। इसके बाद गैस बंद कर दें और इसे छान लें। थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे पी लें। दोस्तों, एक तरीका और हम आपको बता रहे हैं, वो अश्वगंधा का है। दरअसल अश्वगंधा भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल करने से कई बीमारियों में राहत मिलती है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल को कम करने में ये बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी देखिए। शुगर पेशेंट अश्वगंधा पाउडर को पानी के साथ या फिर दूध में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसका ज़्यादा सेवन आपको नहीं करना है। एक बार वैद्य या डॉक्टर से आप परामर्श कर लीजिए कि भाई हम इसका सेवन करना चाहते हैं, कैसे करें। जानकारी देना हमारा उद्देश्य है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात कि 4 फल ऐसे हैं जो शुगर के पेशेंट को जिनसे दूर रहना चाहिए। एक तो है चीकू, क्योंकि चीकू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि शुगर पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा चीकू में कैलोरीज भी बहुत होती हैं, इसलिए चीकू ना खाएं। दूसरा है अनानास। अनानास का सेवन बिल्कुल ना करें शुगर पेशेंट, क्योंकि इसका जो GI होता है वो 59 के करीब होता है। इसे खाने से आपके जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है वो खतरनाक हो सकती है रोगियों के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आम जो है मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत हानिकारक है। इससे क्या होता है कि दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी हो सकता है। करीब 100 ग्राम आम में 14 ग्राम चीनी की मात्रा होती है। अगर शुगर पेशेंट इसे खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल का संतुलन बिगड़ सकता है। एक है अंगूर। अंगूर में भी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। यही शुगर डायबिटीज मरीजों के लिए नुकसानदायक होती है। करीब 100 ग्राम अंगूर में 16 ग्राम शुगर मौजूद होती है। इसकी वजह से इससे परहेज करना चाहिए। ये था आयुर्वेद समाधान। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए तरीके वैद्य और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान।